हेलो दोस्तों, मैं हिमल पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आप टाइटल देख के सोच रहे हो यार ऐसा हुआ क्या है, तो वही जानने के लिए हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। तो चलो सीधा वहीं मिलते हैं। A few moments later. हाय नवीन भाई, क्या हाल है? बढ़िया। वैसे नवीन भाई, यार सुनने में आया कुछ बाइक सुपर बाइक्स बंद हो रही है। हाँ भाई, ये बात सही है कि सुपर बाइक्स बंद हो रही है, पर बंद नहीं हो रही वैसे, वो डिसकंटिन्यू हुई है। 2021 में वापसी आ जाएंगी, वो BS6 के नॉर्म्स के चक्कर में हुई है, बाकी वो आ रही है डिसकंटिन्यू। अच्छा, तो हमें 2021 में आप देखने को मिल जाएगी वापस? हाँ बिल्कुल मिलेगी, नए वेरियंट के साथ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता चल ही चुका कि एक्चुअली बात ठीक है, तो यार यही बात थी, कुछ बाइकें नॉर्म्स के चलते हुए अभी फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू हो गई, जो कि 2021 में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए उन्हीं सब बाइकों के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, लिस्ट के अंदर सबसे पहली बाइक आएगी कि होंडा की CBR650R, जो कि बंद हो डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब उसका एक्सपेक्टिंग प्राइस 2021 का जो है 7.70 है। सो गाइस, नेक्स्ट बाइक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कावासाकी Z1000, वो भी अपकमिंग बाइक है, जिसके अंदर उसका प्राइस जो है वो है 14 लाख के आसपास। सो गाइस, जो नेक्स्ट बाइक है वो है इंडियन कंपनी की, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गई है, और ये ज़्यादातर क्रूजर बाइक्स निकालती है कंपनी, और जैसे कि अब अपकमिंग बाइक है वो 2021 में आपको देखने को जरूर मिलेगी। सो गाइस, अब मैं उस बाइक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि सुपर बाइकों में लेजेंड है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक का नाम बच्चों बच्चों की जुबान पे रहता है। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने सुजुकी हायाबुसा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भी 2020 के अंदर डिसकंटिन्यू हो गई थी, अब हमें ये 2021 के अंदर हमें दोबारा देखने को मिलेगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर पसंद आई तो यार एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब शेयर भी कर देना यार। मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।